Hey guys, what's up? I'm Spin Stuff and welcome back to my channel. So guys, कैसे हो सारे? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे और लॉकडाउन की मौज काट रहे होंगे. सो गाइस, जैसे कि आप सबने देखा होगा कि फॉरन में दीवार पे कुछ ना कुछ ना कुछ बना होता है स्प्रे पेंट से, वो वहाँ पे फोटो खिंचवाना कितना फंकी और कूल लगता है. पर हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आप सबके लिए मैं ये चीज़ और आसान कर देता हूँ. आज की इस एडिटिंग में आज हम करेंगे ग्राफिटी आर्टवर्क, जैसे कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. तो ऐसे एडिटिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. तो गाइज, आपको अपनी फोटो को अपने पिक्सार्ट में इंपोर्ट कर लेना है. पिक्सार्ट में इंपोर्ट करने के बाद आपको जाना है ऐड फोटो में. ऐड फोटो में जाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारी ग्राफिटी के PNGs मिलेंगे. आप वहाँ जाके इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी फ़ोटो पर ऐसे इसे एडजस्ट कर लीजिएगा. आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से देख सकते हैं. और इनका ब्लेंडिंग मोड आपको चेंज कर रखना है ओवरले. ओवरले रखने के बाद आपको जाना है इरेजर टूल पे. इरेजर को सिलेक्ट करना है, हार्डनेस बढ़ा लेनी है, साइज़ अपने हिसाब से मैनेज करना है और अपनी बॉडी पर जो एरिया आ रहा है उसको इरेज कर लेना है. तो ये देखिए, मैंने इरेज कर लिया. अब यहाँ से आपको कर देना डन और यहाँ से भी डन कर देना. डन करने के बाद आपको दोबारा जाना है ऐड फोटो में. ऐड फोटो में जाने के बाद आपको एक बास्केटबॉल का PNG मिलेगा, उसको भी ऐड कर लेना. अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए. और इसका ब्लेंडिंग मोड आपको चेंज करके रखना है ओवरले. ऊपर ले रख लेते हैं और यहाँ पर इरेजर टूल पे जाना है. इरेजर को सिलेक्ट करना है, वही सेम सेटिंग्स, हार्डनेस बढ़ानी है, साइज़ अपने हिसाब से मैनेज करना है और इरेज करना है. और ये मैंने इरेज कर लिया, थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं. एंड पिक्सार्ट का काम हमारा इतना ही था. अब हम आगे चलेंगे ड्रॉ टूल में. ड्रॉ टूल में जाने के बाद हम अपनी फ़ोटो को अपनी गैलरी में सेव कर लेंगे 3 डॉट से. सेव इमेज. अब मैं यहाँ से होम चलता हूँ और अपने लाइट रूम को ओपन कर लेता हूँ. लाइट रूम मैंने ओपन कर लिया. लाइट रूम ओपन करने के बाद मैं अपनी फ़ोटो को कर लेता हूँ ऐड. अपनी फोटो को करता हूँ ऐड पिक्सार्ट के फोल्डर से. ये रही मेरी फ़ोटो, उसको मैं करता हूँ ऐड. और अब हम करेंगे इसकी कलर टचिंग. तो गाइज, इसकी कलर टचिंग थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो आप ध्यान से देखना. सबसे पहले हम जाएंगे लाइट्स में और सबसे पहले हम ऑटो पे क्लिक कर देंगे, तो ये लाइट रूम अपने हिसाब से लाइटिंग मैनेज कर देगा. अब हम इसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ कर रही हैं, इसके ब्लैक्स को मैं हम और कम करते हैं, वाइट्स को हल्का सा कम अराउंड 8, शेडोज़ को बढ़ा लेते हैं, हाइलाइट्स को और कम करते हैं, कंट्रास्ट को भी कम करते हैं हम, इसने बढ़ा दिया. बस आगे चलते हैं कलर्स में. कलर्स में जो सेटिंग्स है हम उसको वही रहने देंगे. आगे चलेंगे मिक्स में. मिक्स में जाने के बाद हम ऑरेंज कलर की लुमिनेंस को बढ़ा देंगे हल्का सा. इसकी सैचुरेशन हम हल्की से बढ़ाएंगे अराउंड 3%. इसके ह्यू को हम हल्का सा प्लस में रखेंगे. आगे चलते हैं येलो कलर में. इसकी सैचुरेशन को हम कम करेंगे हल्का सा और इसके ह्यू को माइनस में करेंगे पूरा. आगे चलेंगे ग्रीन कलर में. इसके ह्यू को हम पूरा बढ़ा देंगे और
सैचुरेशन भी पूरी बढ़ा देंगे। आगे चलेंगे ब्लू कलर में, ब्लू कलर इतना इफेक्ट नहीं कर रहा। इसकी सैचुरेशन को हम माइनस कर देते हैं क्योंकि ये मेरी जैकेट का कलर है, और इसकी सैचुरेशन भी हम बिल्कुल माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद यहाँ से कर देंगे हम डन। डन करने के बाद आगे चलते हैं इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में चलने के बाद इस फोटो की क्लैरिटी को बढ़ाएंगे। क्लैरिटी बढ़ाते देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। आगे ऊपर चलेंगे स्प्लिट टोन में। स्प्लिट टोन में जाने के बाद आपको ये ग्रीन कलर सिलेक्ट करना है जिसका ह्यू 100 एंड सैचुरेशन अराउंड 40। और इसका बैलेंस में देख लेता हूँ, मेरे को अराउंड -29% चाहिए, मैंने सेट कर लिया। मैं इसको हल्का सा और कम करता हूँ, अराउंड 50, इट्स डन। और डिग्नेट को ऐड करेंगे, टेक्सचर हल्का सा बढ़ाएंगे। आगे चलेंगे फोटो की शार्पनेस को बढ़ा देंगे ताकि हमारी फोटो बिल्कुल शार्प हो जाए एंड फुल HD हो जाए। नॉइज़ रिडक्शन बढ़ाएंगे ताकि हमारी जितनी फोटो में जितनी भी नॉइज़ है वो सब ख़त्म हो जाए। एंड कलर नॉइज़ रिडक्शन भी हल्का सा बढ़ा लेते हैं। स्मूथनेस पूरी बढ़ा लेंगे। बैक चलेंगे इफेक्ट में, इसी ग्रेन अमाउंट को हम हल्का सा बढ़ाएंगे अराउंड 10%। एंड इसके साइज़ को बिल्कुल 0 एंड रफनेस को भी अराउंड 9%। तो देखिए गाइस, पिक्सआर्ट में हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह की थी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। लाइटरूम में आने के बाद देखिए क्या लुक आ रहा है। तो आज की वीडियो यही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक मारना। एम करते हैं 60 लाइक्स का, मेरे को पता है आप पूरा करा दोगे, बहुत छोटा एम है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हो तो। एंड बस कुछ भी करो, उस पर बास्केटबॉल फेंक के मारो, चाहे कुछ भी मारो, चाहे अपना मुंह मारो फेंक के, पर मेरे को नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बाय। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। Mine's is by